ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी की ओर से राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद वसीम के नेतृत्व में किसान विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। काला कानून रद्द करो की घोषणाएं की गई। अमरावती में रहने वाले पिता पुत्र ने शहर के एक व्यक्ति को 2,21,000 रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने माधव नगरी इसासनी निवासी 42 वर्षीय नीलेश विनोद अग्रवाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मैट्रिमोनी साइट पर महिलाओं से दोस्ती कर रहे उन्हें चूना लगाने वाले ठग ने एक और महिला को अपना शिकार बनाया। मिलने के बहाने नागपुर बुलाया, होटल के कमरे से जेवर नगद और मोबाइल की चोरी कर भाग निकला। बीते महीने इसी तरह का मामला सोनेगांव थाने में दर्ज हुआ था। दोनों घटनाओं में एक ही आरोपी बताया जा रहा है, केवल नाम बदला हुआ है। प्रतापनगर पुलिस ने मायावुड गौर सिटी नोएडा निवासी शोभना संतदीर गजमेर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी ग्रेटर कैलाश दिल्ली निवासी रोमी अरोरा बताया जा रहा है। हालांकि यह नाम और पता फर्जी होने का अनुमान भी है। काटोल रोड पर मंगलवार की रात अज्ञात आरोपी ने पति पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जबकि पति के पेट पर चाकू घोंप कर फरार हो गया। न तो आरोपी का कोई सुराग मिला है और न ही वारदात का कारण पता चल पाया है। पुलिस ने इतवारी निवासी राजश्री राकेश ढेकाटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। ऑरेंज सिटी में आरओ वाटर के नाम पर करोड़ों का कारोबार हो रहा है। शादी ब्याह सहित विविध तरह के छोटे बड़े समारोह के साथ दुकानों ऑफिस और घरों में सप्लाई होने वाले कैन में भरे पानी को लोग सेहतमंद समझकर पी रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि आरओ वाटर के नाम पर सिर्फ नल का पानी बेचा जा रहा है। इसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। कैन में पानी बेचने वालों में से 70% से अधिक लोगों के पास आरओ प्लांट ही नहीं है। इनके पानी की कोई जांच का पैमाना भी नहीं है और पानी की कोई भी जांच नहीं की जाती। कोरोना को देखते हुए लोगों को अभी सतर्क हो जाना चाहिए। बाघों के लिए विख्यात ताड़ोबा अभयारण्य में सफारी के लिए आए नागपुर के गोयल परिवार के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद बुधवार की शाम तक चिमूर पुलिस ने दुर्घटना से संबंधित मामला दर्ज नहीं किया था। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज होगा। दुर्घटना में मृत सना गोयल व अनिनेश गोयल का नागपुर में बुधवार को अंतिम संस्कार हुआ। गोयल परिवार इस हादसे को लेकर गहरे सदमे में है। घायलों का नागपुर में उपचार जारी है। इस बीच दुर्घटना को लेकर जो बातें सामने आ रही है उससे यह अंदाज लगाया जा रहा है कि कार की गति काफी अधिक थी, जिसकी वजह से कार असंतुलित होकर दूर आने के पूर्व ही पास के कच्चे रास्ते से नाले में जा पलटी और वहां पड़े पाइप पर टकरा गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चेतावनी के बीच गत कुछ दिनों से भले ही शहर में बिना मास्क घूमने वालों की संख्या घटती दिखाई दी हो, लेकिन बुधवार को पुनः यह आंकड़ा बढ़ा हुआ नजर आया। तमाम प्रयासों के बावजूद बिना मास्क घूमने वालों की संख्या कम नहीं देखते हुए उपद्रव शोध दल ने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें कुल 160 लोगों पर जुर्माना ठोका गया, साथ ही 80,000 रुपए का जुर्माना वसूला भी गया। बुधवार को गांधी सागर तालाब से गीतांजलि टॉकीज की ओर जाने वाले रोड पर उस समय काफी देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब मनपा के प्रवर्तन विभाग का दस्ता कार्रवाई के लिए पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के साथ यहां पर पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि गांधी सागर तालाब से लेकर गीतांजलि टॉकीज तक 18 मीटर का डीपी रोड तैयार किया जाना है। सड़क के चौड़ाईकरण में कुछ लोगों के आवास आने के कारण इन्हें हटाया जाना था। यहाँ तक कि इन लोगों का BSUP अंतर्गत नारी में निर्मित फ्लैट स्कीम में पुनर्वास किया जाना था, किंतु दर्शकों से यही रहने के कारण लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। पुख्ता बंदोबस्त के साथ पहुंची पुलिस ने विरोध को दरकिनार कर कार्रवाई शुरू कर दी। दस्ते का रूप देखते हुए महिला और बच्चे भी विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने आ गए। किसी तरह विरोधियों को हटाकर दस्ते ने एक के बाद एक 12 घरों पर बुलडोजर चला दिया। क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 की टीम ने गोपनीय जानकारी के आधार पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एक को शहर से तड़ीपार किया गया था, जबकि दूसरा अपराधी मामले में 1 वर्ष से फरार था। पकड़े गए आरोपियों में स्वागत नगर भांडेवाड़ी निवासी आकाश चिंतामन मेश्राम और न्यू ठवरे कॉलोनी निवासी सुमित विजय मेश्राम का समावेश है। आकाश के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1 वर्ष से तड़ीपार किया गया था। विधान परिषद के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हुए चुनाव में 19 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, जिसके बाद
अब गुरुवार की सुबह 8 बजे से मानकापुर स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल में मतगणना होगी। बुधवार को विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार ने मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए जहां 7 सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वहीं 279 अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं।